अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो जी, जैसा कि आज है फ्राइडे और आज जो है हम किसी आउटिंग के लिए नहीं गए थे, तो सोचा मैं किचन की सफाई कर ली जाए और जो है वो आज क्लीनिंग डे बना लिया जाए। तो यहाँ पर जो है मैं तमाम सामान जो है हटा के जो है एक साइड रख रही हूँ। और यहाँ पर जो है आज जो है मैंने बनाई थी बहुत यम्मी सी खीर, जिसकी रेसिपी इसी ब्लॉग में मैं आगे आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। उससे पहले मैंने सोचा आप लोगों को क्लीनिंग जो मैं कर रही हूँ उसकी भी एक वीडियो बनाकर जो है वो शेयर कर ली जाए और एक ब्लॉग बना लिया जाए। तो यहाँ जो है मैंने जो हमारा डिश वॉश होता है लिक्विड वाला, तो लेमन मैक्स का लिक्विड मैं यूज़ करती हूँ, तो उसी को जो है मैंने यहाँ पर जो है उसके ड्रॉप्स वगैरह डाल के तो है यहाँ स्कॉच ब्राइट से जो है क्लीन कर लिया है अच्छे से। और जो है मैं ये क्लीनिंग जो है 15 दिन में या हफ्ता भर में कर लेती हूँ, और पहले इतनी आदत नहीं थी लेकिन अब जो है वो बिल्कुल आदत बन चुकी है। और इससे क्या रहता है, हमारा किचन जो है अब बहुत ज़्यादा साफ़ रहता है। इतना ज़्यादा जो है क्लीनिंग में मेहनत करने की नीड नहीं होती है इसमें, जब हम डिश वॉश लिक्विड से जो है इसे साफ़ कर देते हैं बहुत ही आसानी से जो है ये क्लीन हो जाता है। पहले यहाँ पर मैंने सूखे कपड़े से जो है यहाँ इसका सोप जो है वो क्लीन कर लिया है, उसके बाद गीले कपड़े से पूरा साफ़ कर लिया है। और हम स्टोव जो है वो बिल्कुल क्लीन हो चुका है और क्लीन रहना भी चाहिए क्योंकि हम यहीं खाना बनाते हैं, सब करते हैं। पहले भी मैं स्टोव तो क्लीन करती ही थी, और आउट साइड की चीज़ें जो है वो मेरे किचन में बहुत ज़्यादा सामान था पहले, जो अब मैंने बहुत ज़्यादा कम कर दिया है, तो उससे जो है मुझे स्पेस मिलता है किचन में, सफाई अच्छे से हो पाती है। और यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर स्टोव और जो भी हमारी क्लीनिंग थी वो पूरी हो चुकी है, तो मैं यहाँ पर स्टोव के तमाम जो आइटम्स हैं उसके अंदर फिक्स कर रही हूँ। जो भी मेरे चैनल पर न्यू है और जिसने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वो जल्दी से जाके जो है वो मेरे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को कर दीजिए क्लिक, ताकि मेरे आगे के व्लॉग्स, नए वीडियोस और रेसिपीज आपको आसानी से मिल सकें। और प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, ज़ाहिर है मुझे सपोर्ट की बहुत ज़्यादा नीड है। प्लीज़ जो है ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियोज़ शेयर भी कीजिए। और क्लीनिंग के साथ साथ जो है यहाँ पर बर्तन बहुत सारे हो चुके थे, तो उसको भी जो है मैंने यहाँ पर जल्दी जल्दी कर लिया है वॉश। आज का फ्राइडे का दिन जो है वो काफ़ी रहा बिजी, क्योंकि सुबह ब्रेकफास्ट वगैरह के बाद जो है और नमाज़ वगैरह से फ्री होने के बाद यही काम करे मैंने, किचन वगैरह की क्लीनिंग वगैरह और जो है यहाँ पर बर्तन वगैरह वॉश करना। उसके बाद जो है आज बिरयानी बनी थी घर में तेल वाली, तो सिंधी बिरयानी जिसे कहते हैं, और उसकी रेसिपी पहले भी मैं शेयर कर चुकी हूँ अपने चैनल के ऊपर। तो वो थी बीफ तेल वाली बिरयानी, बीफ बम्बई बिरयानी, और यहाँ आज बनी थी जो है वो चिकन की। तो चिकन की भी इंशाल्लाह मैं आपके साथ रेसिपी जल्द से जल्द ज़रूर शेयर करूँगी। और तरीका सेम ही है, बस थोड़ी सी चेंजिंग होती है चिकन वगैरह में, और ये फिर टेस्ट भी बहुत अलग होता है। ज़ाहिर है बीफ का टेस्ट अलग होता है, चिकन का अलग, बहुत ही यम्मी सी बनती है। आपके साथ इंशाल्लाह ज़रूर आगे मैं शेयर करूँगी। फ़िलहाल तो मैंने आज जो आपके साथ रेसिपी शेयर करनी है वो है खीर की रेसिपी, काजू बादाम की खीर। बहुत ही यम्मी बनी थी आज खीर जो है। तो अभी आप इसी वीडियो में आगे देखेंगे कि मैं पूरी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ जी लगभग हमारे बर्तन जो है वो धुल चुके हैं, साथ ही साथ मैंने सिंक भी साफ़ कर लिया था और जो बाकी के बर्तन रह गए थे उन्हें भी मैंने धो लिया था अच्छे से। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट ज़रूर है, जिसे भी मेरी वीडियोस पसंद आती हैं, जो कमेंट्स करते हैं वेल एंड गुड, जो नहीं करते हैं तो प्लीज़ मेरे कमेंट्स में आप लोग ज़रूर अपनी राय दिया करें। और अगर कोई रिक्वेस्ट भी करनी हुआ करें तो किया करें कि आपको किसी चीज़ की रेसिपी वगैरह चाहिए, तो मैं ज़रूर आप लोगों की जो है डिमांड्स के ऊपर वीडियोज़ बनाऊँगी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और अच्छे अच्छे जो है मैं एंटरटेनमेंट करने की कोशिश करती रहती हूँ, और व्लॉग्स भी जो है मैं बनाती रहती हूँ, और रेसिपीज़ जो भी आपको नीड हो, या मैं ज़्यादातर जो है वो डेली बेस्ड के ऊपर रेसिपीज़ बनाती हूँ, तो अगर आपको उन्हीं चीज़ों के ऊपर कोई रेसिपी चाहिए तो ज़रूर आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करें।
कि मैम इस रेसिपी की हमें नीड है, तो मैं ज़रूर वो इंशाल्लाह आपके लिए बनाऊंगी। तो जी चलते हैं अब हमारी रेसिपी की तरफ, जो है यम्मी सी खीर की रेसिपी। तो यहाँ पर मैंने एक पैन लिया है और इसके अंदर जो है मैं यहाँ पर काजू रोस्ट करूँगी। तो रोस्ट करने के अंदर जो है हमें ऑयल या घी वगैरह बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है, उसे एज इट इज़ जो है यूँ ही हमें रोस्ट कर लेना है बस थोड़ा सा, और इतना कि हाँ रोस्टिंग की जो है वो स्मेल आने लगे इतना रोस्ट कर लेना है इसे। और रोस्ट करने के बाद जो है हमें इसे मिल्क में ही इसकी प्यूरी बना लेनी है, वो जो मैं आपको अभी आगे दिखाऊंगी। और काजू रोस्ट होने जाने के बाद जो है हमें कुछ बादाम भी जो है इसमें जो है वो रोस्ट कर लेना है, जिसे मैं कूट के जो है वो मिल्क में ऐड करूंगी खीर की, जिससे टेस्ट जो है वो बिल्कुल इन्हेंस हो जाता है खीर का जब हमें ड्राई फ्रूट्स कुछ इसमें कुक होते हुए जो है वो ऐड कर देते हैं। चावल ऐड करने से पहले जो है कुछ ड्राई फ्रूट्स डाल के जो है अगर आप थोड़ी देर मिल्क को कुक कर लें तो उसका जो टेस्ट होता है वो अपने अंदर एब्जॉर्व कर लेता है और बहुत ही अच्छा टेस्ट जो है कि इनहेंस हो के आपके पास आता है। तो यहाँ जो है मैं अच्छे से जो है बादाम को भी रोस्ट कर लिया है, और उसके बाद जो है मैंने एक पैन ले लिया है, उसके अंदर जो है वो मैंने मिल्क ऐड किया है। तो यहाँ मैंने जो है डेरी उमंग का मिल्क लिया था, आप कोई भी ब्रांड का यूज़ कर सकते हैं, ऑलपर्स या मिल्क पैक, कुछ भी क्रीमी मिल्क आप यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ ही जो है मिल्क जो है हमारा पकने वाला है ज़्यादा देर के लिए, तो इसमें मैंने हाफ गिलास पानी भी ऐड कर दिया है और इसे जो है मैं मिक्स कर लूँगी यहाँ पर। और मैंने यहाँ पर कुछ जो है ले लिया है मिल्क जो है हम प्यूरी बनाएंगे, और यहाँ मैंने जो है काजू के साथ मिल्क के साथ एक प्यूरी तैयार कर ली है, वो भी मैंने इसके अंदर ऐड कर दी है। तो थोड़ा सा रह गया था इसके अंदर, तो दोबारा मैंने इसके अंदर मिल्क ऐड करके और इसके अंदर वो भी ऐड कर दिया है। इसके बाद जो बादाम थे जो हमने रोस्ट किए थे उसे मैंने क्रश कर लिया था, वो भी मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। इस पॉइंट पे हम यहाँ पर शुगर ऐड करेंगे, तो मैंने हाफ कप शुगर ले ली थी यहाँ पर, क्योंकि हमारा जो मिल्क है वो 1.25 किलो है, क्योंकि हमें इसमें पानी भी ऐड किया था। इस पॉइंट पे हम यहाँ पर जो है इसके अंदर जो है 6 यहाँ पर मैंने इलायची ले ली थी, छोटी इलायची, वो ऐड कर देंगे। अब अच्छे से जो है इसे मिक्स कर लेंगे और जो है एक बॉयल आने का वेट करेंगे, उसके बाद जो है इसे थोड़ी देर के लिए जो है हम पकने के लिए छोड़ देंगे, क्योंकि जितना अच्छा जो है ये ड्राई फ्रूट्स और इनमें जो है वो पक जाए है उसका जायका इसके अंदर जो है वो ये एब्जॉर्व करता है, उतना ही अच्छी जो है हमारी खीर बन के तैयार होती है। तो जी थोड़ी देर पकने के बाद जो है यहाँ पर मैंने राइस ले लिए हैं जो हैं सेला राइस, और सेला राइस की खीर जो है बहुत ही आउट क्लास जो है बन के तैयार होती है। मैंने यहाँ पर नॉर्मल राइस नहीं लिए थे, तो यहाँ पर जो है मैंने वो आधा पाव जो है, एक पाव नहीं आधा पाव राइस ले लिया था, मतलब हाफ प्याला, हाफ कप भी बोल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर जो है वो 1.25 किलो जो है मिल्क लिया था, तो इसलिए जो है हाफ कप जो है मैंने यहाँ पर सेला राइस ऐड किए हैं। इसके साथ जो है मैं इसे अब थोड़ी देर के लिए पकाऊंगी, क्योंकि जो है इसमें बॉयल अभी आना बाकी है। तो बॉयल आने के बाद जो है हमें बिल्कुल इसे जो है पकने के लिए छोड़ देना है। यहाँ पर आ चुका है इसमें बॉयल, और जो है यहाँ पर हमारी खीर जो है वो, क्योंकि हमारे सोक किए हुए राइस थे, क्योंकि मैंने उसे जो है 1-1.5 घंटे पहले जो है वो सोक करने के लिए रख दिया था, और इसलिए जो है हमारी खीर यहाँ पर ज़्यादा नहीं पकेगी, बस इसमें हमें 1 घंटे का टाइम रखना है और इसे बिल्कुल धीमी आँच के ऊपर हमें पकाना है, मीन्स लो फ्लेम के ऊपर हमें इसे पकने के लिए छोड़ देना है। और उसके बाद आप 1 घंटे बाद यहाँ पर देख सकते हैं इसका जो मिल्क है वो थोड़ा सा कम हो चुका है, क्योंकि वो 1 घंटे पकी है। और अच्छे से यहाँ पर जो है हमें इसे मिक्स कर देना है, और अगर आपको लगे कि इसे थोड़ा और पकना है तो इसे हमें 15 मिनट के लिए और पकने के लिए छोड़ देना है, बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर ही, ताकि जो है ये जले ना। और आप यहाँ 15 मिनट बाद देख सकते हैं यहाँ पर जो है वो खीर जो है वो हमारी थिकनेस के ऊपर आ चुकी है, और यहाँ अब हमें जो है इसके चावल जो है वो बिल्कुल इसका पीस लेना है चावलों को। तो हम जो है यहाँ पर हैंड ब्लेंडर की मदद से जो है यहाँ पर मैंने इसे चावलों की खीर को जो है इसी के अंदर जो है वो पीस लिया था।
कुछ लोग जो है वो जो पुराने ज़माने में जो लेडीज़ होती थी वो जो है चावल को पहले से ही जो है पीस के उसके बाद इसमें ऐड करती थी। तो अब जो है जाहिर है मॉडर्न वक्त आ चुका है, तो इसीलिए आसानी बासानी काम हो जाते हैं मशीन्स वगैरह के साथ में, और टाइम भी हमारा बच जाता है। तो कुछ लोग अभी भी जो है वो चावल पहले ऑलरेडी पीस लेते हैं उसके बाद ही ऐड करते हैं। और ज़रूर आप लोग जो है सेला राइस में जो है खीर बना के ज़रूर टेस्ट करिएगा, बहुत ही यम्मी बनती है। और यहाँ पर जो है हमारी जो मिक्सी, इसके बाद जो है आप इसकी देख सकते हैं रंगत और सब कुछ, और कितनी अच्छी यम्मी और थिकनेस भी आप देख सकते हैं। अब इसे हमें बिल्कुल थोड़ी देर के लिए ही, बस 5 से 10 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर पकाना है, और उसके बाद जो है हमारी यम्मी सी खीर बनके तैयार हो जाएगी। तो जी यहाँ आप देख सकते हैं हमारी थिकनेस जो है खीर में बहुत अच्छी आई है। उसके बाद जो है 5 मिनट के लिए मैंने इसे जो है वो कुक किया है बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर, उसके बाद हमारी खीर बनके तैयार है। काजू बादाम की ज़बरदस्त यम्मी सी टेम्पटिंग सी खीर हमारी बिल्कुल बनके तैयार है। और आप अपने घरों में ये रेसिपी फॉलो करके रेसिपी बना के देखिएगा, और ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपको आज की रेसिपी और आज का ब्लॉग मेरा कैसा लगा। थैंक यू सो मच। इसी के साथ मैं लेती हूँ अलविदा। दुआओं में याद रखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिए ताकि मेरी आगे की रेसिपीज़ आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।